नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो वड़कम मैं हूँ रिचा दीवान विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स टू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज मैं करने जा रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग में आपकी हेल्थ के ऊपर हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं और इसमें आई एम गोइंग टू यूज़ ए बटरफ्लाई ओरेकल कार्ड्स। ओके तो चलिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी हेल्थ रीडिंग, ठीक है चलिए विल गेट स्टार्टेड। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे डेक्स भी यूज़ करेंगे। सो व्हाट आर द चेंजेस कमिंग इन द लाइफ ऑफ द व्यूअर्स इन देयर हेल्थ, कि हेल्थ कैसी रहेगी। ओके आप देख सकते हैं कि बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं, कार्ड्स गिर रहे हैं। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो आई वुड सजेस्ट यूजिंग दिस मैजिकल टैरो एज वेल। हाउ विल बी द हेल्थ ऑफ माय व्यूअर्स, हाउ विल बी द हेल्थ ऑफ माय व्यूअर्स इन ओके सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड रीडिंग टुडे and it's a collective reading friends। okay chali we'll start with butterfly oracle cards। we have forgiveness, I hope you guys can see, otherwise I'll read it out for you, don't worry। forgiveness, moving, be true to you। अच्छा ये जो फॉरगिवनेस कार्ड है ना ये रिवर्स में आया था, सो विल कीप इट लाइक दिस। इमोशंस भी आया है रिवर्स में, मेमोरीज, रिलेशनशिप डायनामिक्स, पेरेंटल केयर, जॉइन इन, हेल्थ केयर चेंज, टॉक अबाउट हेल्थ एंड वी हैव अ हेल्थ केयर चेंज कार्ड। And then we have motivation, okay? So अगर हम reading पे आते हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए देखिए दो मैं काफ़ी scenarios बताऊँगी आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी relationship से related आपकी health है। हो सकता है कुछ लोगों की relationship अभी मुश्किल वक्त से गुजर रही है या कुछ लोगों की relationship जो है अभी ख़त्म हो चुकी है, तो उस सबकी health पे बहुत फ़र्क पड़ा है। आपकी हेल्थ जो है उससे बहुत सफ़र कर रही है क्योंकि आप एनजाइटी में या डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं या एंगर इश्यूज हो रहे हैं आपको, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी ने गलत किया था आपके साथ उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। कुछ लोग तो रिजिड हो चुके हैं, मतलब कि इमोशनलेस, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस जो हैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ओके तो ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के हो सकता है पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं है, अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ किसी की हो सकता है ठीक नहीं है और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं। ओके तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। आप अगर स्पेल्स चाहते हैं तो मेरे पास स्पेल्स भी हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, मैं आपको स्पेल्स बताऊंगी, हाउ टू फॉरगेट एन ओल्ड लव, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने किसी को बताया और उसकी स्पेल जो है वो काम किया है, ठीक है। काफ़ी लोगों के स्पेल्स मैंने बताया, दे हैव वर्कड, ओके सो दे हैव मूव्ड ऑन, ठीक है, वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये जो हेल्थ केयर चेंज है इसे लाइए अपनी ज़िंदगी में, यानी कि हो सकता है कोई ऐसा नेटवर्क ग्रुप है जिसमें योगा कराते हैं, फिटनेस कराते हैं, एरोबिक्स है, डांस है, ऐसा कोई नेटवर्क ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जो मेमोरीज हैं उनकी क्लेंजिंग कीजिए, यानी कि अच्छी मेमोरीज रखिए, बुरी मेमोरीज को भूल जाइए, ठीक है, और अपने साथ इंसाफ कीजिए।
आप जैसे हैं वैसे बने रहिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। देखिए, खुद में अगर आप पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप जैसे नहीं हैं वैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मेरा मोटिवेशनल ब्लॉग भी है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल ब्लॉग्स पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल सॉन्ग्स देखिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशनल जो है फिटनेस वीडियोस भी होते हैं, तो वो भी देखिए आप। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, योगा करिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे खाली पेट ना, सुबह खाली पेट नहाने के बाद आप एक ग्लास हॉट वाटर में थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी हल्दी डालकर मिलाकर फिर उसको पीजिए। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो आप लंच और डिनर के बाद भी, एक घंटे के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपका जो है फैट भी टिकेगा नहीं, क्योंकि फैट जो एक्यूमुलेट हो जाता है तो फैट टिकेगा नहीं। ठीक है, करके देखिए। और ग्रीन टी पीजिए दिन में, जब भी कोई, जब भी आपको वो लगे तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, या नॉर्मल पानी पीजिए आप, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीजिए आप, क्योंकि अभी गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा गर्म पानी पीना भी ठीक नहीं है। तो बस दिन में 3 बार आपने पीना है, एक बार लंच के बाद, डिनर के बाद और एक बार खाली पेट। ठीक है, और खाली पेट जो आपने पीना है वो पूरा एक ग्लास पीना है, नहीं तो आप खाली 2 ग्लास गर्म पानी पी सकते हो, हॉट वाटर खाली 2 ग्लास। ठीक है, और बाकी के टाइम जो आपने पीना है वो आधा ग्लास आप पी सकते हो, आधा ग्लास, 1 कप, दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, यानी कि लंच और डिनर के बाद। ठीक है, सैलड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खाइए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें खाइए, जो जंक फूड है उन्हें बंद कर दीजिए, जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे पोहा, उपमा, सफोला ओट्स हैं जैसे, ठीक है, वो खाइए। अगर आप पराठा भी खाते हो, अगर आप पराठे के बिना नहीं रह सकते, वो खाते हो तो उस पर ऑयल मत लगाइए, जैसे स्टफ्ड चपाती होगी ना जैसे, वैसे खाइए। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार करके देखिए। और आई एम टेलिंग यू, अगर आप डेली 40 मिनट्स भी वॉक करते हो ना, मतलब आपने 10,000 स्टेप्स अगर आपने वॉक कर लिए, चाहे आप टुकड़ों टुकड़ों में करो, 2 बार में करो, 10,000 स्टेप्स अगर आपने वॉक कर लिए, ठीक है, तो इतना आपके लिए एक दिन के लिए बहुत है। आपका वेट लॉस और इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे, डाइट का जैसे मैंने बताया, और 10,000 स्टेप्स अगर आप वॉक करते हो तो इतना आपका वेट लॉस ना हो तो बताना। मेरा खुद का हो चुका था, वेट लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा पुट ऑन हो गया है, मैंने खुद उस मेथड से लूज़ किया था वेट। ठीक है, तो अभी इसी चक्कर में मैं भी इसी उसमें हूँ कि मैं दोबारा शुरू करूँ। ठीक है, चलिए। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है फ्रेंड्स, डेफिनेटली होता है। और एक चीज़ मैं कहूँगी, आपका जो डिनर है वो आप अगर आप 7:30 PM तक ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। 7:30 PM तक, 7 PM तक अपना डिनर ले सकते हो आप। मुझे पता है हमारे हाउस होल्ड में 7:30 PM, मैं इसलिए 7:30 PM कह रही हूँ क्योंकि 7 बजे लेना हम लोगों के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, हर कोई नहीं कर सकता। 7:30 PM तक अगर आप अपना डिनर अगर आप ले लो, उसके बाद कुछ मत खाओ, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस इससे भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ वॉन्स, द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई विल डू वन थिंग, बहुत हॉच पॉच हो रहा है तो आई एम गोइंग टू रैप अप द बटरफ्लाई कार्ड्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Thank you, butterfly cards, for being with us. Love you. Okay, yeah. Now I'm going to put the cards. 7 of Wands, the Moon, 2 of Pentacles, King of Wands, 3 of Pentacles, 7.
एस ऑफ वॉन्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। तो मुझे जो फील हो रहा है, अगर आपको कोई स्किन एलिमेंट है, अगर कोई स्किन मतलब स्किन एलिमेंट का, तो चलिए हम डॉक्टर भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि दाग धब्बे हैं, ठीक है, स्किन आपको क्लियर चाहिए, टैन हो रखी है, या स्किन को अनइवन स्किन टोन है, ठीक है, तो उसके लिए आई विल टेल यू, उसके लिए आपने क्या करना है, चावल को पीस के, ठीक है, और मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल को पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के उसको अपने उसमें आप चाहे तो हनी डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, या आप मैश्ड बनाना डाल सकते हो, मैश्ड केला डाल सकते हो, जो भी आपको सूट करे आपकी स्किन के हिसाब से वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो वो डाल के अपने फेस पे लगाइए। आई एम टेलिंग यू, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों को रिजल्ट्स मिले, उनके दाग धब्बे रेगुलर एप्लीकेशन के साथ चले गए हैं, स्किन भी क्लियर हो जाती है। चावल का जो वो मिक्सचर है स्पेशली रंगत निखारने में बहुत अच्छा होता है, और लाल मसूर की दाल को साथ में मिक्स करके स्किन के लिए, आपकी स्किन को अनइवन स्किन टोन हटाने के लिए और स्किन को क्लियर करने के लिए, चमक लाने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको धीरे धीरे फर्क महसूस होगा, ठीक है। चलिए, और अगेन मैं कहूँगी स्किन को अच्छा रखने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत पानी पीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है, और खुश रहने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, हैप्पी म्यूजिक सुनिए आप, ठीक है, और स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, ठीक है, स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। आई नो समर्स में आपको लगता होगा मैम क्या कह रही है कि समर्स में भी स्किन को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये आपकी स्किन के लिए था, ठीक है, और अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए, जैसे मानो एसिडिटी हुई है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन ख़राब हो गया है, तो एक बहुत ही, और अगर क्रैम्प्स भी होते हैं, जैसे मान लो क्रैम्प्स होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा मेथड है कि एक पानी, गर्म पानी लेकर, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा ज़रा सा काला नमक लेकर और थोड़ी सी अजवाइन लेकर आपने पहले पानी, एक कप पानी लेना फ्रेंड्स, एक ग्लास पानी मत ले लेना, एक कप पानी लेना, गुनगुना पानी, ठीक है, पानी पीते जाइए, और वो ज़रा इतना ज़रा सा एक चम्मच में ज़रा सा काला नमक और ज़रा सा अजवाइन जो लेकर वो साथ साथ खाते जाइए, उसको साथ साथ पानी पीते जाइए, साथ साथ खाते साथ साथ पानी पीते जाइए, आपको क्रैम्प्स भी ठीक होंगे, डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड, अगेन मैं कहूँगी जो चीज़ मैं खुद नहीं करती वो चीज़ मैं आपको कभी नहीं कहूँगी फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं खुद कर सकती हूँ खुद करती हूँ, जो मुझ पर असर हुआ है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी, और काफ़ी लोगों ने जो किया है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये उसके लिए था, क्योंकि मुझे कार्ड्स आए ना ऐसे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रही, मुझे कार्ड्स आए हैं कुछ ऐसे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अपना बीपी चेक रखिए, अपना ब्लड प्रेशर का चेक रखिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए अगर लो है तो आप नींबू पानी पी सकते हो, इलेक्ट्रॉल पी सकते हो आप, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, फ्लूइड्स का ध्यान रखिए, ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको कुछ इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन, एनजाइटी, कुछ अगर चल रहा है, तो मून में टाइम स्पेंड कीजिए आप, ठीक है, स्टार गेजिंग कीजिए, मून में टाइम स्पेंड कीजिए, मून लाइट में, ठीक है, तो उससे आपको फ़र्क फील होगा, ठीक है, कि आपको जो है मूड स्विंग्स चले जाएंगे, एंगर इश्यूज चले जाएंगे आपके जो है, ये मैंने पहले भी किसी क्लाइंट को बताया था, ऑफलाइन बताया था मैंने क्लाइंट को काफ़ी टाइम पहले, तो कि स्टार गेजिंग, मून गेजिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है, और इससे जो है आपका चंद्र जो है, मून जो है वो स्ट्रांग होता है, मून को स्ट्रांग करने के लिए अपने मदर के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके साथ उनको प्यार दीजिए, उनके साथ प्यार से रहिए, अपने सन को स्ट्रांग करने के लिए अपने फादर को सम्मान दीजिए, उनके फादर के साथ प्यार से रहिए,
चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की हेल्थ की रीडिंग। आपकी हेल्थ में मुझे कुछ ऐसा सेटबैक दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग का कुछ लॉस से गुजर रहे हो जिससे आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है। वो लॉस प्रोफेशनल है या पर्सनल है तो वो आप देख सकते हो, आपको बेस्ट पता है। मैंने आपको जितना मैं बेस्ट बता सकती थी मैंने कोशिश करी है, कुछ जितनी चीज़ों को मैं कवर कर सकती हूँ मैंने कोशिश करी है। बाकी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, अगर कुछ मिस आउट हो गया हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। चलिए, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग आपकी हेल्थ के बारे में। आपको अगर अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और लाइक से सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स, तो हम इतनी मेहनत करके रीडिंग्स लेकर आते हैं। तो चलिए, एंड एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। मैं आपको मिलूंगी नए दिन नई शुरुआत नई रीडिंग के साथ। तक अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और मुझे मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम, जितने आप रेमेडीज़ बता देते हो ना, लोग तो लूटने के लिए बैठे हैं, लोग तो बताते भी नहीं है इतनी रेमेडीज जितनी आप बता देते हो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए बैठी हूँ, तो जितना मैं बता सकती हूँ उतना ठीक है। आई जस्ट ट्राई, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं बता सकती हूँ, नहीं तो मैं बैठी किस लिए यहाँ पे? मेरा काम ही ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है, ठीक है। ओके, चलिए तो नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम आपको, अपना ख्याल रखिए। एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। चला, बाय, टेक केयर।